नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे आर्टवर्क के बारे में जो एक फ्रेम में आता है। फ्रेम मतलब फोटो फ्रेम जैसा, लेकिन वो आप देखेंगे तो उसको आपको लगेगा जैसे वो फोटो फ्रेम के अंदर डेप्थ है, यानी कि वो गहराई है। उसको परस्पेक्टिव आर्ट भी कहा जाता है। और उसके अंदर से कुछ लाइट आ रही है जो उस डिज़ाइन में शेडो पैदा कर रही है, यानी कि परछाई पैदा कर रही है। और ये बहुत ही बढ़िया लगती हैं। इसको लाइट बॉक्स पेंटिंग भी कहते हैं। और उसको कैसे बनाया जाता है आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि लाइट बॉक्स पेंटिंग को कैसे बनाया जाता है। हमें एक लकड़ा चाहिए जिससे हम इसका फ्रेम बनाएंगे, और वो चौड़ाई में होना चाहिए। ये चीज़ का आप ध्यान में रखिए, और आप निशान ले लीजिए जो साइज़ का आपको फ्रेम चाहिए। और इसको सबसे पहले हम जो फ्रेम कटिंग टूल होता है उससे कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें जो साइज़ चाहिए रेक्टेंगल में चाहिए। पहली बात, आप चाहो तो स्क्वायर में भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जो बनाया है वो रेक्टेंगल में है। आप देख सकते हैं कि कटिंग कर लिया गया है। अभी हमें जो जॉइंट्स हैं, क्रॉस हैं फ्रेम के, उनके लिए हमें क्रॉस कटिंग करना है, जो हम इसी कटिंग टूल से करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसको भी जो साइडें हैं, जो फ्रेम की जो साइड्स होती हैं, उनके कॉर्नर्स बना दिए हैं। और अभी हम इसको फेविकोल या किसी ग्लू स्टिक से उसको पहले चिपका लेंगे। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा पकड़ मिलती है लकड़ी को। और इसके बाद हम ये लगाने के बाद अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिच भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो एंगल टूल होता है उससे हम लोग इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर लेंगे। ऐसे ही हम बाकी सारे फ्रेम्स को लगा देंगे। आप देख सकते हैं एंगल टूल से उसको सीधा करके स्टेपलर से स्टिच किया जाएगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो या बाजार से या ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। और ये एक्रेलिक का टुकड़ा है जिसको ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक बोलते हैं, क्लियर शीट भी कहा जाता है। ये 2 mm का है, और हमने जो खांचा भी बनाया हुआ है ऑलरेडी उसके अंदर इसको फिट कर देंगे। ये सबसे लास्ट में फ्रेम लगाने से पहले फिट करना है, उसके बाद हम इसको लास्ट का फ्रेम भी फिट कर देंगे। जैसे हमारा एक्रेलिक सेट हो जाएगा, जो लास्ट फ्रेम है वी ऊपर का, जिससे ये एक्रेलिक अंदर फिट हो जाए, वो हम लोग बना देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि फ्रेम बन गया है। अभी हम कंप्यूटर पे जाएंगे और अडोब फोटोशॉप खोलेंगे, और फोटोशॉप में हम लोग वो डिज़ाइन जो इंटरनेट से हमने डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी, उसको A4 पेपर पे सेट कर देंगे। आप भी इंटरनेट पे जाके ऐसे डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन मिल जाएंगे। और इससे पहले हमने इसका एक शेडो बना के रखा हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो विंडो के पार्ट हैं वहाँ पर हमने शेडो कट किया हुआ है, और अंदर जहाँ रोशनी आ सकती है वहाँ पे हमने कटिंग किया हुआ है। अभी आप नेट पे जाके गूगल पे लैंडस्केप सर्च करेंगे तो आप कोई सीनरी पसंद कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जिसमें सन हो। तो ये मैंने पसंद किया है, और इसको हम लोग उस डिज़ाइन के ऊपर बिल्कुल बराबर फिट कर देंगे। और अभी मर्ज करके देखेंगे ये प्रिंट निकल रहा है। अभी हम इन तीनों के एक एक प्रिंट निकाल लेंगे। पहले हमने लाइन आर्ट का प्रिंट निकाला है, उसके बाद हमने जो सीनरी बनाई है उसका प्रिंट निकाला है। हमें पूरा अखा पेज पे सीनरी सेट नहीं करना, हमें विंडो पे सेट करना है। और लास्ट में हम ब्लैक कलर का जो शेडो प्रिंट है हमारा उसको निकाल लेंगे। जैसे हमारे ये तीनों प्रिंट निकल जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्लैक पेपर वाला शेडो है उसमें से वाइट पार्ट को ब्लेड की मदद से कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें से लाइट क्रॉस करना है, और जो ब्लैक पार्ट है उसमें लाइट नहीं क्रॉस होना चाहिए। इस हिसाब से हम लाइन आर्ट में उसको सेट करेंगे, और बैक साइड में सेट करने के बाद बैक साइड में ग्लू स्टिक से उसको चिपका दिया जाएगा। अच्छी तरह से चिपकाना होगा आपको, कहीं उबर खाबर ना हो जाए, नहीं तो फिर लाइट क्रॉस होने में आपको दिक्कत आएगी। अभी हम MDF का बोर्ड लेंगे, और अभी हम LED स्ट्रिप को अच्छी तरह से बोर्ड पे चिपका देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने LED स्ट्राइप्स को कैसे अच्छी तरह से चिपका लिया है। और ये USB आती है जिसमें डिमर लगा होता है, या आप देख सकते हैं बटन लगा है डिमर का। डिमर से आप लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार USB का सारा काम हो जाने के बाद हम प्रिंट आउट को ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये कलर प्रिंट ले लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। हमें जो वाइट पोर्शन है वो निकाल देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो नहीं चाहिए, और जो कलर पोर्शन है उसको हम रख लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि LED लाइट जल चुका है, हमने इसके ऊपर रखा है, वो शेडो इफेक्ट आने लगा है, लेकिन विंडो के पास जो सीनरी है वो हमें लगाना है। और जो प्रिंट हमने निकाल के रखा है हम इसको लगाएंगे। वाइट पेपर की वजह से वो इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ऐसे क्लियर नज़र आना चाहिए। हमने एक और प्रिंट निकाला है, ये थोड़ा ग्लोसी पेपर है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एक ट्रांसपेरेंट पेपर भी है,
ये ग्लोसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी है। अभी आपको निकाल के दिखाएंगे स्टिकर तो आपको पता चल जाएगा। ये तैयार हो गया और पहले से ज़्यादा ब्राइट भी है। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट है और इसको हम लास्ट में वैसे ही चिपका देंगे जैसे हमने पहले वाला प्रिंट लगाने की कोशिश की थी। इसको अच्छी तरह से सेट करना है, बहुत ध्यान से लगाना है, नहीं तो आपका पेपर वेस्ट हो सकता है चिपक जाने के बाद। जैसे आपको लगता है कि ये सेट हो गया है इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए। आपको भी दिख रहा होगा कि कितना ये ब्राइट है और ये बढ़िया लग रहा है। अभी हमारा ये आर्टवर्क जो लाइट क्रॉस करने वाला है तैयार हो गया है। अभी हम इसको सीधा करेंगे और अभी हम इसको फ्रेम में फिट करेंगे। जो लाइन आर्ट वाली साइड है वो हमें फ्रंट पे रखना है और जो लाइट डार्क वाली साइड है जिसमें हमने अभी प्रिंट लगाया वो हमें लाइट की तरफ रखना है। अच्छी तरह से रखने के बाद ये हिले नहीं, इसके लिए हम एक कार्डबोर्ड के टुकड़े ले लेंगे लंबे स्ट्राइप्स के और उनको बराबर फ्रेम के अंदर फिट कर देंगे जिससे हमारा जो पेपर है वो फिक्स रहेगा। अभी आप देख सकते हैं, आप चाहो तो इनको चिपका भी सकते हैं किसी गम के साथ या चाहे आप उसको वैसे भी रख सकते हैं। ये अभी हमारा फिट हो गया है। अभी बात आ गई LEDs की। अभी हम LED वाला बोर्ड लेंगे और उसको इसके ऊपर अच्छी तरह से स्क्रू से टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम लोग इसको स्क्रू से टाइट कर रहे हैं। एक बार ये सारा काम हो जाने के बाद आप देखेंगे आपका वो डिज़ाइन तैयार हो गया है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये अभी हमारा फ्रेम तैयार है और अभी हम इसको लाइट देंगे। मैंने USB को पावर बैंक में लगाया है और जैसे ही लगाते हैं ये अपना जादू दिखाता है। आप देख सकते हैं फ्रेम के अंदर ऐसे लगेगा जैसे वो डेप्थ में है। आप देख सकते हैं ये डिमर से हम इसको लाइट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप डार्क ही रखिए, ब्राइट ही रखिए, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा जूम आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ। पीछे सीनरी भी बहुत अच्छी लग रही है। ये बहुत ही प्यारा पीस बन चुका है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।